अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मसले पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ काफ़ी सीरियस मसला है। इसका ताल्लुक़ है इस्तिंजा से कि इस्तिंजा कैसे करना चाहिए और ख़वातीन और मर्द इस्तिंजा कैसे करें। हक़ बयान करने में शर्म कोई नहीं है। मसला क्या है कि इस्तिंजा जब लोग सही तरीक़े से नहीं करते तो पेशाब के क़तरे जो है वो आपको पलीत करते हैं, आपका वज़ू भी ख़राब करते हैं, इबादत भी ख़राब करते हैं। तो इसलिए इस बारे में बात करना ज़रूरी है, तो इसको सीखना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ। देखें, मर्द और औरत दोनों को ये प्रॉब्लम होती है। और मसला क्या होता है कि जब सही तरीक़े से हम इस्तिंजा नहीं करते तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद उन्हें पेशाब के क़तरों की बीमारी है। वो पेशाब के क़तरों की बीमारी नहीं होती, बल्कि उनके प्रॉपरली इस्तिंजा नहीं करने की वजह से पेशाब के क़तरे गिरते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मसला नहीं होता, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मसला होता है मेडिकली। तो लेकिन बहुत सारे लोग इस वहम की वजह से समझते हैं कि उन्हें पेशाब के क़तरों का मसला है। अब इसको करने का जो तरीक़ा है उसमें ज़रा आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करनी पड़ेगी, ज़रा एहतियात भी करनी पड़ेगी और पेशाब में ज़रा वक्त भी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेशाब करने में एक तो जल्दी करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं कि पेशाब को रोक कर रखते हैं आखिरी वक्त तक, तीसरी गलती क्या करते हैं कि नमाज के लिए जो वज़ू करते हैं उससे फ़ौरन पहले पेशाब करते हैं और इतना कम टाइम रखते हैं पेशाब के लिए कि प्रॉपरली पेशाब नहीं करते। उसकी वजह से फिर उनको ख़तरात आते हैं। तो अव्वल तो आप ये अहतमाम करें कि नमाज के लिए जो आप वज़ू करें उससे पहले आप पेशाब ना करें। पेशाब आप थोड़ी देर पहले कर लें, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी एक टाइम फ्रेम रख लें। एक तो ये अहतमाम करें, ख़वातीन भी और मर्द भी एक अहतमाम ये करें। दूसरा अहतमाम ये करें कि जब आप पेशाब करने के लिए बैठें तो पेशाब रोक के ना रखें और फिर जाके बैठें, ऐसा ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये करें कि जब पेशाब करने के लिए बैठें तो सुकून से, तसल्ली से पेशाब करें, जल्दी जल्दी ना करें। होता क्या है, जल्दी जल्दी करने में वो कुछ क़तरात पीछे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप किसी पाइप को ले लें, पाइप में जब आप पानी डालते हैं और पानी बंद भी कर देते हैं तो पीछे पाइप में कुछ क़तरात रहते हैं, आपके उडेलने से निकलते हैं। वही हाल पेशाब की नाली का है, क्योंकि वो नाली है तो उसमें से यूँ क़तरात जो है वो पीछे कुछ रह जाते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ढलक के नीचे की तरफ आते हैं। ये मसला ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है। उसका एक आसान सा तरीक़ा, पहले तो क्या करना है आपने कि पेशाब तसल्ली से करना है, ध्यान से करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूँ क्योंकि ये मसला तहारत का मसला है और अगर इंसान ताहिर नहीं होगा तो फिर इबादत में मसाइल होते हैं। तो तसल्ली से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा वेट करना है कि अच्छी तरीक़े से जो पीछे चीज़ रह गई है वो निकल जाए। उसका एक बड़ा आसान तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद अपने बड़ों से भी सुना होगा कि वो आखिर में खांसते थे। उससे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि जो ख़तरात पीछे रह जाते हैं वो निकल जाते हैं आराम से। कुछ लोग कहते हैं जी थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाएं, फिर थोड़ी देर चलें, उसमें फिर वो क़तरात गिरेंगे, फिर जाके बैठें, तब तक कोई एक टिश्यू पेपर रख लें वहाँ पर। वो भी एक तरीक़ा हो सकता है, लेकिन ये आसान तरीक़ा होता है कि आप अगर ज़ोर से खांस दें ना, जब फारिग हो जाएं उसके बाद बिल्कुल जब खांस दें तो उसके बाद वो क़तरात निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, चाहे ख़वातीन हो या फिर मर्द हो, उसके बाद आपने ये करना है कि अपने उस जगह को, मर्दों के लिए पहले बता देता हूँ कि आपने, क्योंकि नाली है ना, उसको हल्का सा जेंटली आपने स्क्वीज़ करना है। राइट हैंड यूज़ नहीं करना। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्मगाह को सीधे हाथ से हाथ लगाने से मना फरमाया है। तो अपने बाएं हाथ से, लेफ़्ट हैंड से, आपने देखा होगा जब दूध धोता है तो कैसे उसके थन को वो ऐसे स्क्वीज़ करता है, वैसे जेंटली यू हैव टू स्क्वीज़ इट डाउन। उसके अंदर जो क़तरात होंगे अगर रह गए हैं, खांसने के बाद भी नहीं निकले, तो वो इट विल बी एबल टू स्लाइड आउट। उसके बाद आप उसके ऊपर पानी डालें, ठीक है। तो आप या तो राइट हैंड से पानी डालें, लेफ़्ट हैंड से धो लें। ख़वातीन के लिए भी यही है कि पहले तो वो खंगार लें। या खांस लें, जब वो निकल जाए क़तरा बह जाए तो उसके बाद एहतियातन उसको ऊपर से पानी डालें और फिर लेफ़्ट हैंड से उसको वॉश करें और जेंटली वॉश करें, कोई ज़ोर से ज़बरदस्ती, क्योंकि ख़वातीन और मर्दों में ये फ़र्क है तो इसलिए ख़वातीन को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेनी होगी कि जेंटली उस जगह को वॉश करें ताकि अगर कोई ख़तरात हैं। अच्छा, अगर आपको फिर भी लगता है, एक तो वहम है ना, वहम को नहीं आपने देखना, रियलिटी को देखना है। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि ख़तरात फिर भी रह जाते हैं और थोड़ी देर के बाद निकलते हैं, तो फिर वो दूसरा वाला तरीक़ा जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, उसके बाद जब क़तरात निकल जाएं तो फिर आप इस्तिंजा उसी तरह करें प्रॉपरली। जैसे मैंने आपको बताया कि मर्द हजरात हैं तो लेफ़्ट हैंड से आप उसको स्क्वीज़ करके फिर उसके बाद आप उसको धो लें, पानी डालें ऊपर से, और फिर उसके बाद ख़वातीन जो है वो फिर अपने लेफ़्ट हैंड से उसको धो सकती हैं। तो मैं तफसील से इसको इसीलिए बता रहा हूँ, आई नो इट इज़ अ मैटर जिसके अंदर बताने के अंदर इंसान को थोड़ा सा झिझक होती है, बताने वाले को भी होती है और सुनना वाला को भी होती है। और इसके लिए, इसको बताने के लिए मैंने भी, क्योंकि वीडियो पे बताना और होता है, ईमेल में लिख देना और होता है, टेक्स्ट पे लिख देना और होता है, मैंने भी अपने आप को मेंटली इसीलिए प्रिपेयर किया ज़रा कि, और इसीलिए किया कि ये एक ऐसा मसला है ताकि इबादात में हर जाओ। फिर लोगों ने कहा भी है कि इस मसले को आप हमें बताएं कि इस्तिंजा प्रॉपरली कैसे करें, तो इस बात का ख्याल रखें। और ये दो चार बातें हैं, मैं आप इसको दोबारा देख लें इस वीडियो को, ताकि मैं बार बार वही बात आपके साथ रिपीट ना करूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों का मसला तो यूं ही हल हो जाएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और तहारत का और पाकीज़गी का ख्याल रखें, नमाज में गफलत नहीं करें, नमाज वक्त पर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।